जय भीम साथियों। साथियों आजकल आप देख रहे हो मायावती जी और हमारे चंद्रशेखर भाई दोनों अलग हैं। हमें उन दोनों को एकजुट करना होगा। इसके लिए हमें खुद हमें भी संकल्प करना है कि इसीलिए क्योंकि जो हमारे कुछ बहुजन हैं वो लोग वोट के टाइम पर क्या होता है कि 70 रुपये का पुआ बढ़ता है। आपने देखा होगा, हमने भी देखा है, इसमें कोई नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि उस 70 रुपये के पुआ को लेने के बाद, उसे पीने के बाद, हम जो देता है वो उस पार्टी का हम गुनगाने लगते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमें भी एक अधिकार है, हमें एक अधिकार है कि हमारा खुद हम अपनी वोट अपनी मर्जी से कहीं भी डाल सकते हैं। फिर क्यों हम अपने अधिकार को 170 रुपये में बेच देते हैं। इसलिए हमें संकल्प करना है कि अपनी वोट अपनी इच्छा के अनुसार गिरे। उस 70 रुपये के पुआ को छोड़कर अपनी वोट को हमें अपने इच्छा के अनुसार गिननी है, जहाँ हमारा मन करे। और इसलिए मैं संकल्प कर रहा हूँ अपने बड़े भाई चंद्रशेखर रावण और मायावती जी को एक करने के लिए। आपको भी संकल्प करना चाहिए कि हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर रावण और हमारे मायावती जी एक हों, क्योंकि उन्होंने हमारे बहुजन लोगों को बहुत कुछ किया है। हमें पहले अधिकार से, अधिकार तो सब थे पर हमें अधिकारों से उल्लंघित किया जाता था, हमें हमारे अधिकारों से हमें वंचित किया जाता था। अब हमारे चंद्रशेखर रावण भाई और हमारी मायावती जी निजब से आए हैं, हमारे लिए, हमारे हक के लिए लड़ते हैं। हमें उनके लिए एक वोट का अधिकार, हम अपनी वोट उनके लिए डालें या ना डालें वो नहीं है, पर हमारा हक होता है कि हम दोनों को एकजुट करें। हमारे बहुजन नेताओं को हमें एकजुट करना होगा। उसके लिए हमें प्रयास नहीं, संकल्प लेना है। और मेरा कहना आपसे यही है, अपने बहुजन नेताओं को तो छोड़ो, अपने लोगों को समझाओ। आप जितना भी हो सके अपने जागरूक करो अपने लोगों को, क्योंकि हमारे लोग जागरूक होंगे तो हमारे बहुजन तो जागरूक है ही है, कुछ है, कुछ जो है वो जागरूक नहीं है। हमें वो जागरूक करने हैं, हमें उन्हें समझाना है कि अपने नेताओं को हमें एक करना होगा, और हमें खुद हमारे बहुजन जितने भी अलग अलग हैं हमें उन्हें एक करना होगा। इसके लिए हमें कुछ करना है। जय भीम।